गाइज आईपीएल 2020 से लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए आज तीन बेहद बड़ी खुशखबरियां सामने निकल कर आ रही हैं। तीन बेहद बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है विराट कोहली ने जिस प्रकार से आरसीबी की टीम को धोखा दिया है। दूसरी खबर है मिचेल स्टार्क की आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में वापसी होने वाली है। तो वहीं तीसरी खबर है एबी डी विलियर्स की कैप्टेंसी को लेकर। गाइज तीनों ही खबर मैं आपको डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आप भी मेरी तरह एक आईपीएल फैन है, आरसीबी के फैन है, तो फटाफट अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ लगातार लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं विराट कोहली ने जिस प्रकार से आरसीबी की टीम को धोखा दिया है वो खबर क्या है। आज ट्विटर पर आरसीबी की टीम ने एक फोटो पोस्ट की और जिसमें अभी इंडियन प्लेयर्स ने भी प्लेयर्स आरसीबी की टीम के स्क्वाड का हिस्सा है, ये सभी यूएई के लिए रवाना हो गए थे और फोटो इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की। जिसके बाद फोटो में एक अजीब बात ये थी कि विराट कोहली फोटो में ही नहीं थे। तो ऐसे में फैंस ने लगातार सवाल पूछे कि विराट कोहली कहां पर है। तो ऑफिशियल की तरफ से ये रिप्लाई आया, विराट कोहली 3-4 दिन बाद यूएई जाने वाले हैं। लेकिन ठीक शाम होते ही विराट कोहली ने एक फोटो अपलोड किया और जिसमें वो यूएई में दिखाई दे रहे थे। तो विराट कोहली ने पूरी टीम को धोखा देने के बाद पहले ही यूएई पहुंच गए और सभी फैंस को खुशखबरी दी। बात की जाए दूसरी अपडेट की, वो मिचेल स्टार्क को लेकर। गाइस जिस प्रकार से अब आईपीएल 2020 का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है हम सभी क्रिकेट फैंस में, तो ऐसे में प्लेयर्स में भी एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। और ये एक्साइटमेंट इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि पिछले 5 महीने से क्रिकेट बंद पड़ा हुआ था और आईपीएल सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। तो ऐसे में मिचेल स्टार्क ने मनसा जाहिर की है कि मिचेल स्टार्क आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम का हिस्सा फिर से बनना चाहते हैं अगर आरसीबी की टीम इन पर हाथ आजमाना चाहेगी। बात की जाए तीसरी बड़ी खबर एवी डिविलियर्स की कैप्टेंसी को लेकर। आरसीबी के टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये है कि एवी डिविलियर्स इस बार आईपीएल 2020 के लिए आरसीबी की टीम की वाइस कैप्टेंसी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें इससे पहले पार्थ पटेल विराट कोहली के अब्सेंस में आरसीबी की टीम को लीड करते थे, लेकिन अब एवी डिविलियर्स इस भूमिका को निभाने वाले हैं। तो गाइस ये थी वो तीन बड़ी अपडेट्स आरसीबी फैंस के लिए। तो फटाफट आरसीबी फैंस वीडियो को लाइक कर दें। लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।